वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो और मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है। आज का मेरा टॉपिक है अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम के ऊपर। देखिए, जब जब आप अल्कोहल लेंगे और उसे क्विट करने का सोचेंगे तो उसका कुछ रिएक्शन आपकी बॉडी पे होगा, कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो इस वीडियो में उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। इसी के साथ साथ अल्कोहल क्या है, ये किस चीज़ से आपके ब्रेन से रिलेटेड है, कुछ इसके कॉजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके साथ साथ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। सबसे पहले आप ये सबको पता होगा कि अल्कोहल जो है वो एक फर्मेंट चीज़ से बना है, जो ग्रेन है, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। इनको जब अच्छे से फर्मेंट कर लिया जाता है तो जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है वो अल्कोहल होता है। और इसमें जो इथेनॉल है वो आपके जो ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर बहुत असर डालता है। देखिए, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। जैसे कि गाबा, गाबा का जो मेन रिएक्शन ये है कि आपकी बॉडी में 5 सेंसेस हैं: आँखों से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से आप किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, कान से सुनना और हाथ से आप किसी चीज़ को टच करके महसूस कर सकते हैं कि उसका कौन सी शेप है, वो गर्म है या ठंडा है। ये 5 सेंसेस जो होते हैं, ये हमारा जो अमाइनो एसिड है उसको वो रेगुलेट करता है। बट अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उस पर थोड़ी सी बाधाएं आ जाती हैं, या मैं ये कहूँ कि वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा और काम करना पड़ता है। वो और ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करता है ताकि आप उस टाइम, जिस टाइम आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप चल सकें, बोल सकें। तभी आप मैक्सिमम, आपने देखा होगा जो जो इंसान अल्कोहल लेता है उसकी विजन उस टाइम थोड़ी कम हो जाती है, स्पीच थोड़ा सा लड़खड़ा रहा होता है, मूवमेंट उसकी सीधी नहीं होती, ग्रिपिंग पावर जिसे पकड़ कहते हैं वो उसकी अच्छी नहीं रहती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों पे जो उसका एक बैलेंस होता है वो नहीं हो पाता। ये सिर्फ इसलिए कि वो जो इथेनॉल है वो उस टाइम ओवरकम कर ले रहा है और हमारा बॉडी उससे लड़ता है और ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है ताकि वो अपना जितना भी काम है वो अच्छे तरीके से कर सके। ये नॉर्मल प्रोसेस है जब आप अल्कोहल लेते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसमें मल्टीपल डिजीज़ होती हैं। आपको GIT का इशू हो सकता है, आपका BP बढ़ सकता है, आप हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, और इसी के साथ आप में ना चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और सबसे मेन, आप अपनी फैमिली से ही कट ऑफ करने लग जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पर इरिटेट होने लग जाते हैं। ये माइंड और फिजिकल दोनों पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, अब मुझे क्विट करना है, और आप क्विट करने का ट्राई भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो आपके साइन और सिम्टम्स आते हैं उससे डर के मारे आप बीच में हार जाते हैं और फिर अल्कोहल शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर जान लें कि अगर आपने अल्कोहल छोड़ दी है तो शुरुआती के जो 12 घंटे हैं उसमें आपका एंजाइटी, आपका एंगर, आपका चिड़चिड़ाहट जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक लंबे टाइम तक एक केमिकल मिल रहा है और अचानक वो केमिकल बंद हो जाता है तो हमारे ब्रेन को ऑलरेडी आदत है हद से ज़्यादा काम करने की, हद से ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करने की। बट अब वो सामने अल्कोहल नहीं है जो उसको रोक रहा था, तो हमारे माइंड में ना काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि इंसान को उस टाइम एक तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, बहुत ज़्यादा एंगर हो सकता है, माइट भी वो कोई कॉज ना हो, बट उसको उस चीज़ की तलब ज़्यादा लगी हुई है तो वो खुद भी उससे लड़ रहा होता है। तो इस अगर आप ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं वो भी 12 घंटे के बीच, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि ये एक नॉर्मल सिम्टम है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद उससे फाइट कर रही है और आपको हेल्प कर रही है। अगर आपने इसको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया और लगभग 21 दिन तक आपने क्विट किया अल्कोहल, आपको खुद देखने को मिलेगा कि आप अल्कोहल से फिर दूरी बना सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने 12 घंटे अल्कोहल नहीं लिया, फिर 12 से 24 घंटे के अंदर जो नेक्स्ट साइन सिम्टम होते हैं, कभी कभी कुछ लोगों में देखने को मिला कि उनके हाथ ज़्यादा काँपते हैं,
उनको हेलुसिनेशन होता है, एक अजीब सी साउंड जो कुछ सामने नहीं है बट उनको उसकी साउंड आ रही है, या कुछ वो अलग सा इमेजिन करने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं होती। तो ये कोई पागलपन का सिम्टम नहीं है, ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है। उस टाइम आपके जो नॉर्मल ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव स्टेज से धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज पे आ रहे हैं, तो जो सर्टन चेंजेस आते हैं वो सिर्फ इसका असर होते हैं। तो आपको उस टाइम डरना नहीं है, थोड़ा अपनी विल पावर को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। इसी के साथ अगर आपने 24 आवर तक अल्कोहल नहीं लिया तो 24 से 48 आवर में आपको एक प्रॉब्लम और देखने को मिल सकती है कि आपको नींद नहीं आएगी, इनसोमनिया के पेशेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अब एक ऐसी चीज़ से लड़ रही है जो बहुत लंबे टाइम से वो उसके साथ थी। तो बेशक आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अपनी लाइफ में ज़रूर करिए, एक्सेप्ट अल्कोहल इनटेक से। अल्कोहल तो आपको नहीं लेना है। इसके साथ अब अगर आपको फैमिली में कुछ कोई भी पसंद है, बच्चा है, आपकी बीवी है, मम्मी है, पापा है, जो भी फैमिली मेम्बर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको मूवी पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, बाहर की आउटिंग पसंद है, इन शॉर्ट अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है अल्कोहल से दूसरी चीज़ों में, वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना है। देखिए बहुत मुश्किल काम है बट इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप लोग चाहें तो। एक और सिम्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन होगा, साउंड आपको कभी कभी लगता है कि शायद वहाँ से कोई भी आवाज़ आ रही है और वहाँ जब आप जाते हैं तो कोई नहीं होता, या कोई आपको एक इमेज नज़र आती है जो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल चीज़ है, आप इसमें डरेंगे नहीं और आपने जो अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना के रखा है उसको तोड़िएगा मत। इस टाइम आपको बेचैनी और आपका एंगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा होता है क्योंकि जो हमारा हार्मोन है सेरोटोनिन वो थोड़ा हाई हो जाता है, और जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया है जब सेरोटोनिन का लेवल हाई हो जाता है तो आपका एंगर भी बढ़ता है। तो उस टाइम आप हो सके तो वो चीज़ें ज़्यादा करें जिससे आपको खुशी मिलती है, या फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करें, ये एक तरह का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी GIT को भी रिकवर करने में आपकी मदद करेगा। ये इसके साइन और सिम्टम थे जो आपको 48 आवर्स में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ होम्योपैथी मेडिसिंस हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी आपके अल्कोहल को क्विट करने में। टॉप ग्रेड मेडिसिंस में से दो मेडिसिंस बहुत अच्छा वर्कआउट करती हैं और ये दोनों ही आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेनी होगी। सबसे पहली मेडिसिन जो हमारी आती है वो है क्वेरिकस ग्लैंडियम। ये जो मेडिसिन है ये आपको मदर टिंचर में लेना है 10 ड्रॉप दिन में 3 बार। देखिए मैं आपको इसके कुछ बेसिक साइन और सिम्टम्स बताऊंगी। सबसे पहली बात, ये जो मेडिसिन है आपको मदद करती है आपकी जो उस टाइम क्रेविंग होती है अल्कोहल की उसको ये ओवरकम करती है, थोड़ा शांत रखती है। इसी के साथ साथ अगर आप बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे हैं और आपका फैटी लीवर हो गया है या स्प्लीनोमेगैली हो गई है, स्प्लीन का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है और आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको गाउट की प्रॉब्लम है, गठिया की, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आपकी सारी प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करेगी ही, उसके साथ साथ आपके माइंड पे ये जो क्रेविंग ज़्यादा है अल्कोहल की उसको भी शांत करती है। कुछ पेशेंट में हमें ये भी देखने को मिला है कि उस मेडिसिन के बाद थोड़ा डायरिया हो जाता है, बट ये एक नॉर्मल साइन है, इसका मतलब ये है कि मेडिसिन एक्ट कर रही है। तो आपको घबरा के मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, ये 6 महीने की मेडिसिन है और आपको इसको प्रॉपरली टाइम वाइज लेना ही लेना है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो क्वेरिकस की जो ड्रॉप है आपको 10 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। दूसरी हमारी जो मेडिसिन आती है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है और 10 ड्रॉप्स ही लेना है आधे कप पानी में। इसके साइन और सिम्टम ज़्यादातर स्किन से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्किन पे छोटे छोटे दाने ज़्यादा हो गए हैं अल्कोहल के बाद से, और आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ में कंपन ज़्यादा हो रही है, आप में जो पहले की ग्रिपिंग पावर है किसी भी चीज़ को पकड़ने की वो छूटती जा रही है, एंग्री जो है आपका नेचर है वो ज़्यादा हो गया पहले से ज़्यादा,
इसी के साथ साथ स्किन की कोई भी कंप्लेन जो पहले नहीं थी बट अल्कोहल के बाद ज़्यादा हो गई है, तब भी आप इसको ले सकते हैं और ये भी आपको अल्कोहल छुड़ाने में बहुत मदद करने वाली है। इसे भी हमें 10 बूंद लेना है आधे कप पानी में दिन में 3 बार। अगर इन मेडिसिंस के साथ अगर आपको लग रहा है कि डायरिया ज़्यादा है या कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अल्कोहल छोड़ते ही आपका वेट लॉस होने लगता है, तो वो घबराना नहीं है, वो एक बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो बिना किसी लिमिटेशन के इनटेक ज़्यादा हो जाता है खाने का, तो आपका वेट गेन होता है, और जब अल्कोहल ही नहीं होता तो आपका एक तो एपेटाइट ही कम हो जाती है, आपका मन ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली वेट लॉस होना ही है। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसी के साथ आपको चाइना लेना है, चाइना की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। ये आपकी वीकनेस को भी दूर करेगा, आपकी डायरिया को भी दूर करेगा और आपकी जो क्रेविंग है अल्कोहल की उसको भी सपोर्ट करता है कि वो ना हो और आप अपनी जो विल पावर को स्ट्रांग बना सकें। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हो सके तो इस अल्कोहल से दूर रहें क्योंकि ये धीरे धीरे आपके शरीर को खा जाती है और बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है तो वहाँ से वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कभी कभार ये वीडियो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें।